लगा और प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये हमें राम का नाम देकर जा रहे हैं। मैं श्री खाटू श्याम जी के श्री चरणों में आज एक सत्य कहती हूँ, मैं प्रथम बार आपसे मिल रही हूँ, मैंने इससे पहले आपका कोई भजन नहीं सुना। भाई, कांग्रेस पार्टी से मैं पार्षद के रूप में सेवा कर रही हूँ। आज इस मंच से मैं ये उद्घोषणा करती हूँ, भाई मेरा शरीर यहाँ था, मेरा हृदय जहाँ था, आज आपने वो मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरा देशभक्ति का जो जज्बा है उसे आपने उजागर कर दिया है। इसी क्षण कांग्रेस पार्टी से मैं त्याग पत्र देती हूँ। इसी क्षण जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरे और मोहन की बातें या वो जाने या मैं जानू, और सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की नारी, माँ जगदम्बा, माँ परम्मा, आपके माँ जगदम्बा का समक्ष मेरे रूप, आप सभी के आशीष के साथ आपसे मैंने ये राम नाम, अहो भाग्य राम मानव तन पाया, उस पर राम नाम जब गाया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर विद्या विपद विनाशी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। मेरे भाई विनोद गोरा जी, आप जी। वंदे मातरम, यही कहूंगी, जागो जवान देश के, किसान देश के, महान देश के, जो भी राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त अपने जिस भी धर्म में आपका विश्वास है उसे आप दृढ़ता से थामे हुए राष्ट्र की पताका, हमारे तिरंगे को ऊर्ध्वगामी करने के लिए समूचे विश्व में अपनी सुख समृद्धि और उन्नति के विशेष पताका को लहराने के लिए मैं कहूंगी, संगठित रूप से हम सभी भारतीयों को अपनी पूरी निष्ठा उस नेतृत्व को देनी चाहिए जो इस क्षेत्र में पूरी योग्यता के साथ परिणाम दे पा रहा है। तो कांग्रेस आपने छोड़ दिया, अब कहां पे, अब बीजेपी के साथ जाएंगे कैसे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। भाई मैंने ये बड़े ही समय से इस बारे में, आप जानते हैं कि मैं हमारे कांग्रेस के बहुत ही सीनियर टकसाली नेता श्री बाबू हेमराज अग्रवाल जी की बहू हूँ, उनके विशिष्ट कार्यकाल को देखते हुए इस बार महिलाओं को, ये जो इस बार निगम चुनावों में ये जो इस बार महिलाओं को विशेष रिजर्वेशन दिया गया, उसके तहत एक आम घरेलू महिला होने पर भी उनके कारण मुझे ये टिकट मिली। और मैंने कांग्रेस की हार के नीचे गत 5 वर्षों में पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम किया है। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको बतलाऊंगी, केवल वार्ड नंबर 81 नहीं, समूचे लुधियाना और लुधियाना के बाहर भी अपने काम के द्वारा विशिष्टता कहूंगी, विशिष्ट रूप से मैंने अपने पर्यावरण और महिला उत्थान के क्षेत्र में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके कारण सभी जितनी भी पार्टीज आज वर्तमान समय में देश में कार्य कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, सभी के द्वारा मुझे विशेष प्यार स्नेह वात्सल्य मिला है। तो मैं वास्तव में राष्ट्र प्रेम को किसी पार्टी की परिधि तक मैं उसे सीमित नहीं कर देना चाहती। ये बात और है कि जो मेरा विशेष मेरा आकर्षण था, मेरा रुझान था बीजेपी पार्टी की तरफ से बहुत समय से मैं महसूस कर रही थी, और कल कन्हैया भाई के सहज ही प्रयास में मैं वो मेरे हृदय के भीतर की वो जो कुंठा थी कि मैं हृदय कहीं और शरीर कहीं इस प्रकार मैं काम नहीं कर सकती, तो सहज ही अनायास ही वहाँ पर उस प्रकार श्री राम कृपा में परमात्मा की, परमात्मा के भक्तों की उपस्थिति में मैंने वो निर्णय लिया। और मैं विशेष धन्यवाद अपने बाबूजी का करती हूँ, जिनके चरण स्पर्श करके उन्होंने इस बात से वो निराश नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, उन्होंने मुझे आशीष दिया, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, कि मैं ये जहाँ भी आपको मेरी आवश्यकता है, मेरे अनुभव की आवश्यकता है, वो आपके साथ रहेगा। आप जहाँ हृदय से आप काम कर सकती हो, राष्ट्र मुख्य है, राष्ट्र के लिए काम करिए। कांग्रेस भी पलटवार कर रही है, अब सोशल मीडिया पर ये बातें कर रही है कि राम सबके सब लाए हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई मैं वाद विवाद में न पड़ूंगी, क्योंकि मेरा सभी से बहुत प्यार है,
मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि मैं किसी नाराजगी के कारण बीजेपी पार्टी में मैं इस पार्टी में आई हूँ। मैं केवल और केवल मेरे हृदय का समर्पण, मेरा आकर्षण, मेरा प्यार इसके प्रति है, इसके विशेष नेतृत्व की ओर है। आप बताइए कि हिंदू होकर जब हम अपने तीर्थ स्थानों में जब जाया करते थे, इतना दुख होता था कि हमारा राष्ट्र आज जहाँ हिंदुस्तान, यहाँ के हमारे तीर्थों की आप अगर वहाँ अवस्था देखते तो हृदय बहुत विदीर्ण हो जाता था। मैं विशेष धन्यवाद, ये धन्यवाद के साथ मैं अपना जो भी मेरा छोटा सा प्रयास रहेगा, मैं अपनी सेवा प्रयास उस नेतृत्व के चरणों में समर्पित करती हूँ जिसने हमारा केदारनाथ, हमारे बद्रीनाथ, हमारे महाकाल, हमारे राम परिसर, उसके पश्चात आप देखें अब हमारा जो चल रहा है वृंदावन की तरफ, उस कॉरिडोर को भी हम सबसे पहले जहाँ से हम शुभ भावना, जहाँ से आशीष लेकर, जहाँ से देश की सुख समृद्धि जहाँ से हमें प्राप्त होती है, हम उन स्थानों को सबसे पहले उन्हें स्वच्छ करें, उनका जीर्णोद्धार करें और जो कर रहा है उसके श्री चरणों के प्रति मेरा प्रत्येक प्रत्येक कर्म में वहां समर्पित करना चाहती हूं। इतनी ही मेरी हृदय की भावना है, इसे कोई भी राजनीति से न जोड़े। और मैं जो हम उनको लाएंगे, जो हम जो राम को लाए हैं, भक्त के वश में है भगवान, भक्ति के वश में है भगवान। आपको यही कहूंगी, एक विचारधारा की संकुचितता से बाहर आइए। इसका अर्थ केवल यही है, जो भक्त है, जो भक्त उनके चरणों में, भगवान ने भी कहा है कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो परमात्मा परिणाम किसको देते हैं, सफलता किसको देते हैं, जिस पर वे रिझते हैं, जिस पर वो वेशी हस्त रखते हैं। तो आप देखिए 75 साल का हमारा इतिहास इसी कार्यकाल में, श्री नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में ही जीर्णोद्धार, हमारे जहां से हम सब कुछ प्राप्त करके अपना जीवन शुरू करते हैं और संपूर्ण भी कर देते हैं। तो यही एक कारण है केवल जिसके कारण मैं यहां पर अपनी सेवा समर्पित करना चाहती हूँ। इसे राजनीति से हरगिज ना जोड़ा जाए, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और केवल भक्त, भक्त ही भगवान को ला पाने में सक्षम है, उस भक्त का हमें हाथ पकड़ना होगा।